हेलो जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो तवांग से आज फिर एक नई वीडियो के साथ। ये देखिए, हो गया है फिलहाल शाम और मैं लौट रही थी फिलहाल अभी घर पे। तो ये दोनों जने भी आ गए थे मुझे लिवाने कि इनकी मम्मा कहीं खो ना जाएं। इसको देखिए, ये बदमाश लड़की मेरी, छी छी गंदा है, चलो। तो फिलहाल आज हम लोग कहीं जाने वाले हैं। सुबह अगर लाइव में जो भी ज्वाइन किया होगा तो वो देखा होगा, एक दादा थे मुझे बोल रहे हैं कि आई नहीं आप, वो सामने आ भी रहे हैं, नाम लेते हाजिर। तो यही है, इनका ही रेस्टोरेंट है। अच्छा ठीक है, मैडम ने तो डाला नहीं। तो वो बोल रहे हैं कि मैडम ने डाला ही नहीं, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला मैं जा पाऊँ उनके रेस्टोरेंट पे। अच्छा, हमें इनवाइट भी किए थे इन पर्सन, 7 अगस्त 2024 का उनका इनॉग्रेशन हुआ था, इनॉग्रेशन था और हम आ नहीं पाए। अच्छा बेटा, तो चलिए आपको दिखाते हैं, बहुत अच्छा सा रेस्टोरेंट यहाँ पे ओपन हुआ है तवांग में। और टाइमिंग तो अभी कुछ पता नहीं है, कब ओपन होता है कब बंद होता है, तो पूछते हैं, पूछ के फिर आपको सारी जानकारी शेयर करेंगे। रेस्टोरेंट का नाम है द वेजीज रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स, नियर SBI बैंक, ओल्ड मार्केट, तवांग। तो ये रहा देखिए ना, बहुत सुंदर सा बना हुआ है, देखिए डेकोरेशन बहुत अच्छा हुआ है। कहीं बैठ जाइए, ये देखिए डेकोरेशन बहुत ही सुंदर किया गया है। यहाँ पे माउथ फ्रेशनर भी रखा हुआ है और डेकोरेशन तो बहुत ही अच्छा हुआ है, और टेबल वगैरह चेयर सब चीज़ बहुत सुंदर है। तो इनका इनॉग्रेशन हुआ था 7 अगस्त को, बट हम लोग नहीं आ पाए थे। ये देखिए मिठाइयाँ भी अवेलेबल हैं, गोद के लड्डू भी हैं और कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी अवेलेबल है, मिठाइयाँ तो इतनी ही सारियाँ हैं। तो इस रेस्टोरेंट का नाम है द वेजीज करती हूँ, ये देखिए द वेजीज रेस्टोरेंट एंड स्वीट, और इनका नंबर ये रहा। अगर कोई तवांग आता है घूमने तो आप जरूर विजिट कर लीजिएगा। ओपनिंग टाइम क्या है इसका, कितने बजे सुबह खुल जाता है, ओपन हो जाता है? 8:30 बजे। और कब बंद होता है रात में? 9 बजे। अच्छा, तो खाना भी यहाँ मिलता है या फिर बस खाना भी सब चीज़ मेनू है क्या? अच्छा, पूरा नहीं हो पाएगा, तो अभी कारीगर नहीं है यहाँ पे, लेकिन खाना भी, डिनर भी अवेलेबल है यहाँ पे, और ब्रेकफास्ट भी है, बेवरेज भी है, चाइनीज़ फूड भी है, कर्ड पराठा सारी चीज़ें हैं। और मेनू भी बहुत सुंदर है इनका, कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत है, लंच डिनर भी है सारी चीज़ें। तो आप विज़िट कर सकते हैं, SBI ओल्ड मार्केट में है, SBI बैंक उसके बगल में ही है। तो मेरा कुछ सपना सच हुआ है, इस वजह से आज हम लोग आ गए यहाँ पे घूमने खाने पीने। और दादा ने भी रास्ते में हमें बोल दिया कि आपने खाया नहीं था, तो मैंने बोला कि आ गए आज आपके दुकान पे। आप अपना फेवरेट खा लीजिए ना, वो नारियल का रखा है, देखिए ना वही ना, ये भगवान जी है यहाँ पे। और ये वॉशरूम भी है, वॉशरूम भी बहुत सुंदर सा बनाया गया है, मेंशन भी है वॉशरूम, लाइटिंग बहुत ही खूब अच्छा सा हुआ है। और सारे टेबल्स पे आपको मिल्टन का बॉटल मिलेगा पानी के लिए, पूरा साफ सफाई का अच्छे से ध्यान रखा गया है। और ये ली है, ये है वाटरमेलन और एप्पल का मिठाई ली है, खा के बताइए कैसा है राशि, ठीक है? ने क्या लिया? ओह अच्छा, हाँ मिल्क केक ही बोलते हैं। मोमो होगा क्या मैडम? ये देखिए ना बालूशाही, ये मेरा फेवरेट है, और कलाकंद लड्डू सारी चीजें। CCTV कैमरा भी है यहाँ पे, तो कोई हरकत नहीं करेगा कुछ भी पकड़े जाने पर। इतनी सारी मिठाइयाँ हम लोग आज खा रहे हैं। मामा, दुकान नहीं, घर पे बहुत सारा चॉकलेट है। तो इन्होंने बताया कि संडे को क्लोज है और बाकी 6 डे ओपन रहेगा।
बहुत ही सुंदर सा रेस्टोरेंट बनाया गया है। तो हमने मंगाया है मूंग दाल कचौरी। अंदर किचन भी है, किचन में उसी किचन में बनता है शीशे के उस पार, और साल्ट वगैरह हर चीज रखा हुआ है। ठीक है, जो भी तवांग घूमने आए जरूर विजिट कर लीजिएगा आप लोग, अच्छा रेस्टोरेंट है और दादा भी अच्छे हैं, तो एक बार सर्विस इनका लीजिए। ठीक है, और जैसा लगे मुझे कमेंट में बताइएगा खाना कैसा लगा, यहाँ के स्टाफ कैसे लगे, सब चीज़। ठीक है, शेयर करिएगा। तो बस अभी हम लोग खा पी लें, उसके बाद दिखाते हैं। दादा भी शायद मार्केट गए हैं जो यहाँ के ओनर हैं। चलिए टेस्ट करके दिखाते हैं हम आपको कैसा है। इसके साथ दो चटनी मिला है, एक इमली का और एक धनिया की पत्ती का। टेस्ट अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो देखिए चटनी जा रही है, बाइट। अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप भी टेस्ट कर लीजिएगा आके इनकी दाल की कचौड़ी। हमने ओवरऑल जितनी भी चीज़ें खाई यहाँ पे, ये वाटरमेलन मिठाई, एप्पल का केक, मिल्क केक, फिर से कोकोनट का बर्फी, सब चीज़ बहुत अच्छा था। और ये कचौड़ी भी, कचौड़ी भी बहुत मस्त है। ये लगा लगा सकते हैं, इसकी फीलिंग देखिए, इसका भी बहुत अच्छा है। अच्छा, और इसमें इमली का चटनी है, तो आप भी जरूर ट्राई करिएगा। दाल कचौड़ी बहुत ही टेस्टी है, और ये चीज़ें भी ऐसे ही टेस्टी होगा जैसे हमने बहुत सारा खाया था। आइए विजिट कर लीजिएगा आप लोग, अच्छा है, बहुत अच्छा। तो हमने सोचा कि जब कचौड़ी खा रहे हैं तो चाय क्यों ना पिए। अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, इलायची का टेस्ट आ रहा है इसमें। तो जैसे होता है ना कि किसी को भूख नहीं होता है, और भूख से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए चाय होता है, तो आप यहाँ चाय पी सकते हैं। और एकदम बहुत अच्छा एसेंस है इसमें, तो चाय जल्दी जल्दी आइए गए। सो चीज़ें ना यहाँ पे प्योर वेज, सारे ऑप्शंस जो है प्योर वेज हैं, और क्वालिटी तो हमने देखा बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे मिठाई हो, चाहे जैसे लाइक हमने कचौरी प्रेफर किया खाने में, चाय भी पी रहे हैं, तो हर चीज़ ही बहुत अच्छा लगा हमें। और आप लोग भी इधर आइए कभी घूमने, तो जरूर एक बार ट्राई करिए। लोकेशन भी बहुत अच्छा है, SBI बैंक यहाँ पे ओल्ड बाजार में। सो ओल्ड बाजार में ये सटा हुआ SBI बैंक के बगल में इनका रेस्टोरेंट है, और ये अभी अगस्त में ही नया खुला है, 7 अगस्त को ही ओपनिंग हुआ है इसका। सो अभी चीज़ें भी नई नई पड़ी हुई हैं, बट वैसे सच में बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया है इन्होंने, अच्छे से बना रखा है। आप देख सकते हैं डेकोरेशन, तवांग जैसे जगह पे इस तरह से मैनेज करना मुझे लगा बहुत डिफिकल्ट है, और सच में मतलब इम्प्रेसिव। और मैंने तो देखिए गूगल पे भी रिव्यू डाल दिया इनका। सो मेरा नाम इस पर गूगल मैप पे भी पा सकते हैं इनका लोकेशन का, रेस्टोरेंट का कुछ फोटोज और मेन्यूज, मैंने मेन्यू का फोटो भी डाल दिया उसमें। आपने क्या खाया बेटा, आपको क्या अच्छा लगा, ये क्या है? वाटरमेलन है, तरबूज भी बोलते हैं। तो आपने खाया इसको? कैसा लगा? चलिए ओके, बाय बाय। माउथ फ्रेशनर खाना था, ये बॉल बॉल चिल्ला रही थी, हम बचपन में खाते थे ना, चुटबुली करके आता था वही है ये। ट्राई किया कचौड़ी, दादा ट्राई किया कचौड़ी, चाय, काजू, वो कोकोनट का बर्फी, सारी चीज़ें बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा है। और गूगल मैप पे भी मैंने डाउनलोड किया लोकेशन, यही हो दादा। चलिए हो गया हमारा खाना पानी, और ये देखिए फिर से अगेन नंबर भी मेंशन है यहाँ पे, तो नंबर भी नहीं होगा तो हम मेंशन कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं। शाम हो गया है पूरा, ये देखिए सन्नाटादार एकदम मार्केट। आ जाइए राशि, देखिए शाम के नज़ारे यहाँ, और बुद्ध भगवान भी आपको दिख रहे होंगे। तो चलिए ब्लॉग को यहीं बंद करते हैं, बाय बाय। लाइक कमेंट शेयर करिएगा,
और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बस और कुछ नहीं, ठीक है, जरूर इस ठीक है। इनको भी देखिए, ये लोग भी खा पी लिए, और ये बच्चा, ओह माय गॉड, मेरा कैमरा सच में कैप्चर नहीं कर पा रहा है इसको, लेकिन बहुत सुंदर है नज़ारा। तो इतने रात में वो जो है, वो ना है ना होटल तवांग हाइट्स, उसी के जस्ट बगल में है वो लड़की, उसका नंबर ले लिए थे हम। हम कहे कि नंबर दे दीजिए, ज़रूरत पड़ेगा कभी तो बताएंगे। 90 रूम है इनके होटल में, 19 कमरे, अभी तो 1500 है, लेकिन सीज़न में कह रही हैं 2000-2500 चलता है। हाँ तो हम बोले, हम कह कि हम, मेरे लिए तो कुछ छूट होगा ना, तो कह रही हाँ हाँ। देखिए ना, चलिए बंद करते हैं ब्लॉग को। देखिएगा हम कहाँ से देंगे भाई उनको डिस्काउंट, बताइए। नहीं हम तो नहीं दिए, तो मैम का है ना। ये देखिए बहुत सुंदर लग रहा है। चलिए रात में नहीं दिख रहा, मैं सुबह आपको लाइव में दिखाई थी शायद ये नज़ारे। तो चलिए बाय बाय, बाय बाय, प्यार सपोर्ट ढेर सारा बरसा दीजिएगा इस ब्लॉग में, ठीक है। ताकि मैं अच्छे कैमरे वाले फ़ोन ले सकूं आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से, ठीक है। मजाक कर रही हूँ हाँ, लेकिन लाइक कर दीजिएगा यार, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन आ रहा है तवांग में और इस रेस्टोरेंट में खाना खाने और ब्रेकफास्ट करने, चाय पीने, ठीक है, बाय।